ओके फ्रेंड्स, तो ने कुछ स्मार्टफोन के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज कर दिया है। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट रिलीज किया गया है, ठीक है, कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट को रिलीज किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया गया है, जिसका अपडेट फाइल 199 MB की दी गई है। 1 जुलाई 2024 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट इंडिया में ऑफिशियली रिलीज किया गया, उसी के साथ साथ इस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं की गई है, माइनर सी चेंजेस की गई है, जैसे कि सिक्योरिटी पैच को इम्प्रूव किया गया, बग्स फिक्स किए गए, नए पुराने फीचर्स को इनहेंस करने की कोशिश की गई है। अगला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A23 5G स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया गया है, जिसका अपडेट फाइल 270 MB की दी गई है। 1 जुलाई 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट ब्राज़ील में रिलीज किया गया है, देखते हैं जब ये अपडेट इंडिया में आती है तो क्या कुछ चेंजेस एंड फीचर्स के साथ अपडेट को इंडिया में रिलीज किया जाता है। वैसे ये अपडेट इंडिया में 1 वीक के अंदर तक आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया गया, जिसमें दोस्तों 1 अगस्त 2024 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हमें इंक्लूड मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये अपडेट यूरोपियन कंट्रीज में रिलीज किया गया और बताया जा रहा है कि इंडिया में 1 वीक के अंदर तक आ जाएगी। देखते हैं जब इंडिया में अपडेट आती है तो क्या कुछ फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स के साथ इंडिया में ये अपडेट को रिलीज किया जाता है। तो आज के इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।